हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आपको चैप्टर 3, जिसमें फाइबर टू फैब्रिक है। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके जो कीवर्ड्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जो इसके कीवर्ड्स हैं आज मैं उनको बताने वाला हूं और एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं जो कीवर्ड है, और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको आंसर क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनको भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बनिए रहिए और पूरा का पूरा आज इसको समझ कर सीख कर जाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में, कॉटन। जी हाँ दोस्तों, कॉटन को क्या कहा जाता है थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन इज अ लॉन्ग, क्या है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेरिंग ऑब्टेन बाय द ट्विस्टिंग फाइबर टुगेदर इज कॉटन यार्ड। मतलब कॉटन क्या होता है कि जो आपके धागे होते हैं उनको ट्विस्टिंग करके मोड़ कर एक जो स्टेरिंग तैयार की जाती है लॉन्ग लंबी सी लेयर, उसको बोलते हैं कॉटन बोलते हैं। दूसरा कीवर्ड आपके सामने दिख रहा होगा फैब्रिक। फैब्रिक दोस्तों ये एक प्रोसेस होती है जिसमें से अरेंजमेंट किया जाता है टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक फैब्रिक इज कॉल्ड द वीविंग। ठीक है, मतलब इसको तैयार करना क्या कहलाता है, फाइबर कहलाता है। एक प्रोसेस होती है वीविंग की, तो इससे क्या बनता है आपका फैब्रिक तैयार हो जाता है। ओके, फाइबर क्या होते हैं दोस्तों, फाइबर एक थिन, फाइबर इज अ थिन होता है, इज द थिन एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉम्बिनेशन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ द सिंथेटिकली और फ्रॉम मिनरल्स, इसके थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर्स। किटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें सिंगल एंड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक इज कॉल्ड द किनेटिंग, मतलब कि धागे को बनाना बुनना जिसको बोलते हैं वो क्या कहलाता है आपका किनेटिंग। स्पिनिंग क्या कहलाता है, द प्रोसेस मेकिंग इन द यार्न फ्रॉम इन द फाइबर, फाइबर से यार्न को बनाना क्या कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। वीविंग क्या कहलाता है, प्रोसेस अरेंजिंग द टू एंड मोर यार्न, मतलब बहुत सारे धागों को एक साथ मिलाना और फैब्रिक तैयार करना वीविंग कहलाता है। वीविंग इन द आइदर हैंड ऑपरेटिंग या मशीन ऑपरेट से बना सकते हैं, जैसे हैंड वूलून। यार्न क्या होता है, यार्न इज मेड अप इज द थिन स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर, फाइबर का जो सबसे पतली लेयर होती है उसको यार्न कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका एक कीवर्ड हो चुका है और अभी जाना नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज भी आपको आज समझ के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का जो साइंस है एनसीईआरटी बुक से, जो आपका चैप्टर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। जी इसमें एक्सरसाइज है, इसको मैं बताने वाला हूं आपको एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर एज ए नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक मैंने बता दिया था, जो नेचुरली एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर होगा और नायलॉन होगा, ये आपका सिंथेटिक फाइबर होता है जो ह्यूमन से बनाया जाता है। देखो नेचुरल फाइबर क्या दिया, वूल कॉटन सिल्क जूट। नायलॉन और पॉलिस्टर क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। अब इसमें ट्रू फॉल्स आपको चेक करना है। तो यार्न मेड इन द फ्रॉम फाइबर, मतलब कि जो धागा होता है किससे बनता है, फाइबर से बनता है, सही है। फिर स्पिनिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, गलत, मेकिंग फाइबर नहीं होता। ठीक है, द जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, गलत बात, कोकोनट जूट का प्लांट होता है अलग से। ठीक है ना, प्लांट अलग होता है और ये कोकोनट अलग होता है, कोकोनट एक सिल्क बनाता है, सॉरी कोकोनट मतलब नारियल होता है, इसको अलग चीज होता है, ये जूट का पेड़ अलग होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज द गिनिंग, यस गिनिंग होता है, मतलब कॉटन से देते हो, कॉटन ऐसा होता है उसके बीच में सीड्स होते हैं, तो सीड से आपको कॉटन को अलग करना क्या कौन सी प्रोसेस कहलाती है, गिनिंग कहलाता है। वीविंग इन द यार्न मेक इन द पीस ऑफ फाइबर, यस पीस ऑफ फाइबर बनता है। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम इन द स्टेम ऑफ प्लांट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम और प्लांट, नहीं भैया यहाँ पे एक सिल्क का प्लांट ही अलग होता है, उसमें सिल्क वॉर्म के थ्रू सिल्क बनता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। अगला है पॉलिस्टर इज द नेचुरल फाइबर, गलत बात भाई, अभी मैंने बताया सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से होता है प्लांट फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, जूट और कॉटन से, जूट एंड कॉटन से। ओके, अगला है एनिमल फाइबर, सिल्क से, सिल्क होता है आपका, नाम सुना होगा, और वूल, वूल, ठीक है, एनिमल फाइबर सिल्क और वूल्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। ठीक है, तो क्या बताओगे, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स
ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन वॉल, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, मतलब एक जूट प्लांट होता है उसके स्टेम से बनाया जाता है, ये स्टेम जो होती है ठीक है प्लांट के। नेम ऑफ टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर से क्या बनता है, जूट बैग बनता बच्चों, रोप बनती है, रस्सियां बनती है, और फुट मैट बनता है, पैर के नीचे रखने वाले जो मैट होते हो। अब क्वेश्चन लास्ट है आपका, ये एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं, मेकिंग फाइबर यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग करते हैं। दिस प्रोसेस द फाइबर फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन, बहुत सारा कॉटन इकट्ठा हो जाता है उसको, एंड ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट करते हैं उसको, मतलब घुमा घुमा के धागा बनाते हैं। दिस थ्रेड इन द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म यार्न, धागा बन जाता है। स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग इन द सिंपल डिवाइस द हैंड स्पिंडल, जिसको तकली बोलते हैं, या चरखा के थ्रू बना सकते हैं। ऑन द लार्ज स्केल वीक स्पिनिंग द मशीन आर यूज्ड का, मशीन का यूज करते हैं। चलिए कैसा लगा है आपको, आई होप्स आपको समझ में आया होगा, और कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं अगला चैप्टर लेके आने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 4, और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगर नोट बिल आइकॉन की बटन को आपने प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों को भी, अपने दोस्तों के बीच को शेयर कीजिए जो कि अभी स्कूल जा नहीं रहे हैं और उनको जरूरत है, उनकी हेल्प कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।